नमस्कार। हेलो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रही हूँ जो आपको मोटिवेट तो करेगी ही, साथ साथ ऐसी एजुकेशन देगी जो कहीं ना कहीं आपकी सोच को बदल देगी। ये एक कहानी आपके गोल को अचीव करने में आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। तो आइए जानते हैं ऐसी एक कहानी। नमस्कार, आज की कहानी का शीर्षक है जीवन से मत भागो, जियो उद्देश्य के लिए। घटना उन दिनों की है जब इंग्लैंड में डॉक्टर एनी बेसेंट अपने वर्तमान जीवन के प्रति निराश थी और एक सार्थक जीवन जीने की ललक उनके हृदय में तीव्रता से उठी थी। एक दिन अंधेरी रात्रि सभी परिवारजन गहरी नींद में सोए हुए थे। केवल वही जाग रही थी और आत्मा की शांति के लिए इतनी बेचैन हो उठी थी कि इस जीवन से भाग जाने का ख्याल मन में लाकर सामने रखी जहर की सीसी लेने के लिए चुपके से उठी। लेकिन तभी किसी दिव्य शक्ति की आवाज ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। क्यों, जीवन से डर गई? सत्य की खोज कर, ये सुनकर वह चौंक गई। अरे, यह आवाज किसकी है? कौन मुझे भागने से रोक रहा है? उन्होंने उसी समय निश्चय कर लिया कि सार्थक जीवन यानी कि मीनिंगफुल लाइफ के लिए मुझे संघर्ष करना ही होगा। सत्य की खोज के लिए वे अपना परिवार, सुख संपत्ति आदि सब कुछ छोड़कर भारत आ गए। उन्होंने साध्वी जैसा जीवन यहाँ ग्रहण किया और विश्व को भारतीय जीवन दर्शन के रंग में रंग देना ही अपना मुख्य उद्देश्य बना लिया। उनकी मृत्यु भारत में हुई थी। तो यह कहानी का निष्कर्ष ये है कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के लिए मनुष्य को संघर्ष करना पड़ता है, जिसके दौरान वह अपनी शुद्ध चेतना से समर्पण भाव को जागृत कर जीवन लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। ऐसे संघर्षवान व्यक्ति की ईश्वर भी सहायता करता है, बशर्ते वह सच्ची लगन व उत्साह के साथ सार्थक जीवन के प्रति संकल्पकृत है और उसकी आंखें निर्धारित लक्ष्य पर केंद्रित है। याद रखें, जीवन सहज नहीं, एक संघर्ष है। कठिनाइयां एवं बाधाएं जीवन के अंग हैं। इनसे भयभीत होकर कर्तव्य पथ से पलायन कर देने का अर्थ होगा अपने जीवन मूल्य को नष्ट कर देना। सत्य तो यह है कि कठिनाइयों और दुखों पर विजय प्राप्त करके ही मानव ने इस भौतिक संसार का इतना ऊंचा विकास किया है। जब कड़वी दवाई के सेवन से रोग का निदान शीघ्र होता है, तब हम अपने जीवन लक्ष्य की सिद्धि में संघर्ष करने से क्यों कतराए? हेनरी फोर्ड का कथन ध्यान देने योग्य है कि obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal। त्रेता युग में श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था और फिर लंका पर विजय प्राप्त करने के पश्चात लौटने पर राजगद्दी मिलते ही उन्हें सीता जी के निष्कासन पर एकला जीवन लेना पड़ा था। द्वापर युग में श्री कृष्ण के होते हुए भी धर्मराज, युधिष्ठिर सहित पांचों पांडव भाइयों का को 12 वर्ष का वनवास और साथ में 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलना पड़ा था। स्पष्ट है, यह जीवन संघर्ष आदि काल से चला आ रहा है। अतः सुंदर जीवन बनाने के लिए हमें संघर्ष के बीच तो रहना ही होगा, बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ना होगा और तभी हम अपने जीवन उद्देश्य की पूर्ति कर पाएंगे। आभार।